Let's do question number 11th of exercise 4D, that is rational number. Question number 11th is, what should be added? Let the number be x. So x is added to minus 5 upon 7 में क्या add करें, x add करें कि जिससे कि हमें क्या मिले, 2 minus 2 upon 3 मिले. तो आप इसको solve करेंगे, plus minus minus 5 upon 7 equals to minus 2 upon 3. ये minus का है, उधर आके plus का हो गया. LCM लेंगे, 7 3s are 21, minus 3 7s are 21, plus 5 7 2s are, sorry, 7 3s are 21. तो ये कितना आ गया, minus 14 plus 15 upon 21, दोनों opposite sign है, subtract हो गया, 15 में से 14 गए 1 upon 21, लेकिन sign बड़े वाले का is the answer. तो x की value कितनी आ गई, 1 upon 21 is the answer. Let's do question number 12th of exercise 4D, that is rational number. Question number 12th is, what should be added? Let the number be x. X may add करेंगे किस में? 2 upon 9 में, जिससे कि हमें क्या मिल जाए? Minus 1 मिल जाए. तो x की value कितनी आ गई? Minus 1 as it is, ये plus का था इधर आके, minus का हो गया, right friends, else के नीचे कुछ नहीं है, 1 रखा, LCM 9 आ गया, minus 1, 1 9's a 9, minus 2, 9 1's a 9, तो ये कितना आ गया, minus 9, minus 2 upon 9, दोनों subtraction के आपस में add हो गए, sign बड़े वाले का लग गया, upon 9 is the answer. तो x की value कितनी आ गई, x equals to minus 11 upon 9 is the answer. Let's do question number 13th of exercise 4D, that is rational number. Question number 13th, what should be added to? Let the number be x. What should be added to? X is added to minus 13 upon 4 plus minus 83 upon 8 to get 1. Right, friends? इस नंबर में x को ऐड किया 1 लाने के लिए. अब ये क्या है, ये हम बिगर ब्रैकेट बना देंगे इसका. क्यों बनाएंगे? क्योंकि यहां दो साइन है और मैंने बताया था उसको ब्रैकेट से कवर करने का. तो x प्लस प्लस माइनस माइनस 13 अपॉन 4, ब्रैकेट खोल रही हूं सारे, प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन 8 equals to 1. या तो ये कर लीजिए या इसको अंदर वाले को सॉल्व करके फिर जो वैल्यू है वो उधर ले जाएगी. राइट फ्रेंड्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ये माइनस का था, इधर आके 13 upon 4 प्लस का हो गया, 3 upon 8 भी प्लस का हो गया. अब हम 1 लिखेंगे, LCM लेंगे 4 और 8 का, तो 4 से गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 4 2 जा 8 LCM आ गया, तो 1 8 जा 8 प्लस 13, 4 2's are 8 प्लस 3, 8 1's are 8. राइट फ्रेंड्स, तो ये क्या आ गया, 8 प्लस 26 प्लस 3 अपॉन 8, सारे प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे आपस में, 29, 8 प्लस 29 अपॉन 8, तो कितना आ गया, ये हमारा आ गया 17, 37 अपॉन 8 is the answer. Let's do question number 14th of exercise 4D, that is rational number. Question number 14th is, what should be subtracted? Let the number, वो कह रहे है, कौन सा number subtract करें इतने में से. What should be x है, subtract x from minus 3 upon 4, जिससे कि हमें क्या मिले, 5 upon 6. अब friends, वही, इसलिए मैंने ये लिखी है subtraction के केस में, क्योंकि addition के केस में तो सीधा plus आ जाता है, लेकिन subtraction के केस में from के बाद वाली digit पहले आती है, फिर from के पहले वाली digit आ जाती है, is equals to 5 upon 6. अब देखिए, ये x क्या है, minus का है, तो हम क्या करेंगे, इसे इधर ले आएंगे जिससे कि प्लस का हो जाए, और इधर इसे इधर ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस 3 अपॉन 4, ये प्लस का था, ये भी माइनस का हो गया, और x हमारा माइनस का था, इधर प्लस का हो गया. चाहे तो आप
ये दोनों इधर ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, फोर और सिक्स का, या तो मैं टू इक्वल्स टू एक्स लिखूँ या एक्स इक्वल्स टू टू, बात तो एक ही है ना, इसलिए मैंने ये किया है। फोर और सिक्स का एलसीएम निकालेंगे, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, तो टू टू ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, माइनस थ्री की मल्टीप्लाई, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, माइनस फाइव, सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व, तो कितना आ गया, माइनस नाइन माइनस टेन अपॉन ट्वेल्व, दोनों सब्ट्रैक्शन के आपस में ऐड हो जाएंगे साइन बड़े वाले का, दैट मीन्स टेन प्लस नाइन इज नाइनटीन अपॉन ट्वेल्व इज द आंसर। Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on Maths and share it with your friends. Thank you.